तो दोस्तों Redmi K20 और K20 Pro के लॉन्च के बाद अब Xiaomi अपने अपकमिंग स्मार्टफोन Xiaomi Mi A3 Pro को लॉन्च करने वाला है, जो कि आने वाला है स्नैपड्रैगन के 710 के प्रोसेसर के साथ, साथ ही में ट्रिपल रियर कैमरा और आपको एक बहुत ही बेहतरीन 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा भी देखने को मिलने वाला है। और ये सारी चीजें आपको देखने को मिलने वाला है 16 से 17,000 रुपीज के बीच में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इसी स्मार्टफोन के बात करने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि क्या कुछ खास देखने को मिलने वाला है इस स्मार्टफोन में और कब तक इस स्मार्टफोन को इंडिया में लॉन्च किया जाएगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इस स्मार्टफोन की डिजाइन और डिस्प्ले से। तो दोस्तों इस स्मार्टफोन का जो डिजाइन होने वाला है वो ग्लोसी ग्रेडिएंट फिनिश के साथ होने वाला है, जो कि ग्लास बैक के साथ आने वाला है। और दोस्तों इस स्मार्टफोन के बैक साइड में आपको देखने को मिलने वाला है ट्रिपल रियर कैमरा का सपोर्ट, जिसका प्राइमरी कैमरा होने वाला है 48 मेगापिक्सल का सोनी IMX586 का सेंसर, और उसके साथ ही दोस्तों 8 मेगापिक्सल का एक वाइड एंगल लेंस और 5 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर देखने को मिलने वाला है। साथ ही में दोस्तों अगर इस स्मार्टफोन की फ्रंट साइड की बात की जाए तो दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको देखने को मिलने वाला है 6 इंच का एक फुल HD+ का स्क्रीन, जो कि आने वाला है एक वाटर ड्रॉप नॉच के साथ। और दोस्तों वाटर ड्रॉप नॉच के अंदर ही आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा भी देखने को मिलने वाला है। बात करें दोस्तों इस स्मार्टफोन की फिंगरप्रिंट सेंसर की, तो दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको एक इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलने वाला है रेडमी के K20 की तरह ही। बात कर लेते हैं दोस्तों इस स्मार्टफोन की प्रोसेसर की, तो दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको देखने को मिलने वाला है स्नैपड्रैगन के 710 का प्रोसेसर, जो कि हाल ही में लॉन्च स्मार्टफोन रियलमी X में हमें देखने को मिला था। तो दोस्तों बात करते हैं इस स्मार्टफोन की बैटरी की, तो दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको देखने को मिलने वाला है 4000 mAh की बैटरी, जो कि आने वाला है फास्ट चार्ज के सपोर्ट के साथ। और दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको एक 18 वाट का फास्ट चार्ज का सपोर्ट देखने को मिलने वाला है। साथ ही में दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको 3.5 mm ऑडियो जैक और USB-C का सपोर्ट भी देखने को मिलने वाला है। बात करते हैं दोस्तों इस स्मार्टफोन के ऑपरेटिंग सिस्टम की, जैसा कि आपको पता है कि MI का A सीरीज आता है स्टॉक एंड्रॉइड के साथ, तो इस स्मार्टफोन में भी आपको एक स्टॉक एंड्रॉइड का एक्सपीरियंस देखने को मिलने वाला है, जो कि आने वाला है एंड्रॉइड 9 के साथ। और दोस्तों बात करते हैं इस स्मार्टफोन की प्राइसिंग की, तो इस स्मार्टफोन का जो बेस वेरिएंट होने वाला है 4GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज, उसकी प्राइसिंग देखने को मिलने वाला है 16,000 रुपीज के करीबन। और दोस्तों बात करते हैं इस स्मार्टफोन की रिलीज डेट की, तो दोस्तों इस स्मार्टफोन को रिलीज किया जाएगा इंडिया में अगस्त के महीने में। तो दोस्तों यही थी इस स्मार्टफोन के बारे में कुछ कंफर्म स्पेसिफिकेशन। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। तो दोस्तों मिलते हैं फाइनली अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइल एंड हैव अ ग्रेट डे।